नारी तो चामुंडा रूपी तेज प्रकाश है, संघर्ष के चट्टानों का पूर्ण आकाश है। पग पग में कांटों को मन में झेल ले, उन विरल प्रवाहों का जन आभास है। दोस्तों, क्या भारतीय नारी की परिभाषा बदलनी होगी? आर्थिक विकास में भारत दुनिया के 10 बेहतरीन देशों में शामिल है। मानसी गोपाल कृष्णन का कहना है कि अगर विकास और समृद्धि को गंभीरता से लेना है तो महिलाओं की हालत बेहतर करनी होगी। भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता में महिला की अहम भूमिका है। किसी भी खानदान में स्त्री उसकी संस्कृति की रखवाली करती है। अपने माता पिता की संस्कृति वह पति के घर लेकर आती है, वहां की परंपरा में ढलकर फिर अपने नए आदर्शों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखती है। भारतीय परंपरा में इसलिए नारी, सभ्यता और घर गृहस्थी अक्सर एक साथ एक आदर्श महिला की परिभाषा में समा जाते हैं। 2 शताब्दी की अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय नारी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा परिभाषित हुई। अगर भारतीय समाज में पुरुष अंग्रेजी कानून, आदर्श और संस्कृति से जूझ रहे थे तो उनकी माएं, बहनें और पत्नियां घर पर उनके पुराने आदर्शों को बचाए हुई थी। 1947 में आजादी पाने तक भारतीय नारी और भारतीय गृहस्थी लगभग पर्यायवाची हो चुके थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। 1990 के दशक में भारत में बाजार के खुलने के बाद बहुत लोगों को लगता है कि भारतीय संस्कृति खतरे का सामना कर रही है, लेकिन इस नए समाज ने दलितों, गरीबों और समाज के कई दबे हुए तबकों को ऊपर उठने का मौका दिया है। इन दबे तबकों में महिलाएं भी शामिल हैं। अगर किसी परिवार में सिर्फ पति ही काम करने जाए तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी पत्नी संतुष्ट है, क्योंकि वही उसके परिवार, उसके पालन पोषण के जिम्मेवार है। आजकल शहरों में बहुत से पुरुष कामकाजी पत्नी चाहते हैं जिनसे वह अपने करियर के बारे में बात कर सके और जिसने दुनिया देखी हो। आर्थिक संकट के दौरान अगर किसी एक व्यक्ति की नौकरी खतरे में हो तो परिवार फिर भी चल जाता है। परिवार में 2 काम करने वाले हों तो पैसा भी ज्यादा होता है। ऐसे परिवारों में भारतीय संस्कृति खत्म नहीं होती। त्योहार यहां भी मनाए जाते हैं, माता पिता का ख्याल रखा जाता है और सब सुखी रहते हैं। अंग्रेजों को भारत छोड़े सालों हो गए, भारतीय संस्कृति को कोई खतरा नहीं है। खतरा है तो बस इसका कि कुछ लोग समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूलकर उसे महिलाओं की भूल बताते हैं। भारतीय नारी की परिभाषा भारत की महिलाओं ने बदल दी है, स्वतंत्र, स्वायत्त होकर। अब बाकी भारत को भी ऐसा करना है। भारतीय इतिहास महिलाओं की उपलब्धि से भरा पड़ा है। आनंदीबाई गोपाल राव जोशी पहली भारतीय महिला चिकित्सक थी और संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी चिकित्सा में 2 साल की डिग्री के साथ स्नातक होने वाली पहली महिला चिकित्सक रही। सरोजिनी नायडू ने साहित्य जगत में अपनी छाप छोड़ी। हरियाणा की संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। बॉक्सर MC मैरी कॉम एक जाना पहचाना नाम है। हाल के वर्षों में हमने कई महिलाओं को भारत में शीर्ष पदों पर और बड़े संस्थानों का प्रबंधन करते हुए भी देखा है। अरुंधति भट्टाचार्य SBI की पहली महिला अध्यक्ष, अलका मित्तल ONGC की पहली महिला CMD, सोमा मंडल सेल अध्यक्ष, कुछ और नामचीन महिलाएं हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। दोस्तों, पृथ्वी से लेकर नभ तक नारी शक्ति की गूंज आज सुनाई दे रही है। नारी नारी नहीं
जहां है तू, हिंद की शान है तू, झुका न सके कोई वो प्रचंड आसमान है तू, असमत पे जो ताकता उसके लिए हैवान है तू, कायनात की अप्सरा तू, सृष्टि की पहचान है तू, जला नहीं सके तुझे धधकते अंगार भी, गर समझो तो आसान बहुत वरना चट्टान है तू, झांसी भी अविनाशी भी तू, सीता सी महान है तू, नारी नहीं जहां है तू, हिंद की शान है तू, फूल भी तू शूल भी तू, कुलों की आन बान है तू, लक्ष्मी और शक्ति भी तू, शिव का गुमान है तू, गौर से जो देख तो कण कण में विराजमान है तू, अंत भी अनंत भी तू, वेद और पुराण है तू, अर्पण भी तू समर्पण भी तू, ममता की खान है तू, यामिनी तू धामिनी भी तू, ब्रह्मांड का मान है तू, नारी नहीं जहान है तू, हिंद की शान है तू, तारिणी भी नारायणी भी तू, शौर्यता का बखान है तू, कोख में तू पालती भीम सा बलवान तू, मैदानों में मात दे तू, ऐसी वीर पहलवान है तू, नारी नहीं जहां है तू, हिंद की शान है तू, गुरु भी तू गुरूर भी तू, शिष्य भी तू गुणवान तू, सागरों में उठती जो लहरों का उफान है तू, दीप की मनमीत भी तू, आखिर तो एक इंसान है तू, नारी नहीं जहान है तू, हिंद की शान है तू, शान है तू।